हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक. बच्चों, हम फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, ये दोनों टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं. आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये लास्ट ही टॉपिक है इस चैप्टर का, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. और जब हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम जनरल फोर्सेस की ही बात करते हैं, क्योंकि हमने फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर करा है, दैट बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस. तो जो स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस फर्म से रिलेटेड होती हैं, जैसे बिजनेस फर्म के कस्टमर, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स. वो फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर बिजनेस फर्म को ही अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली, और उनको हम कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. लेकिन जब हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जनरल फोर्सेस की. तो जो जनरल फोर्सेस होती हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस विच आर आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल कंडीशंस विच आर कंसिडर्ड रेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज. तो डायमेंशंस को बच्चे हम क्या कर सकते हैं कि इसको पहले हम डायमेंशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. तो जो नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल. तो इस तरह से पहले तो आप डायमेंशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर इकोनॉमिक एक पर्टिकुलर डायमेंशन है और नॉन इकोनॉमिक के चार पार्ट्स आप लर्न कर लेंगे, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल. इन कंट्रास्ट टू द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, दीज फैक्टर्स एक्सप्लेन द जनरल एनवायरनमेंट विच मोस्टली इन्फ्लुएंसेस मेनी एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम. ये मैं आपको बहुत ही स्पेसिफिकली क्लियर कर चुकी हूँ कि जो सारी फर्म्स को यूनिफॉर्मली अफेक्ट करती हैं उन फोर्सेस को हम कहते हैं जनरल फोर्सेस, और उस एनवायरनमेंट को हम कहते हैं जनरल एनवायरनमेंट. हाउएवर, मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज कैन बेनिफिट फ्रॉम बीइंग अवेयर ऑफ दीज डायमेंशंस इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसइंटरेस्टेड इन देम. ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग से ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट मिलते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस को कभी भी उसमें डिसइंटरेस्टेड नहीं रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देकर बता रखा है, साइंटिफिक रिसर्च हैज डिस्कवर्ड अ टेक्नोलॉजी दैट मेक्स इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब लास्ट एटलीस्ट 20 टाइम्स एज लॉन्ग एज द स्टैंडर्ड बल्ब. ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की यहाँ पर बात हो रही है. तो इस एडवांसमेंट के हिसाब से सीनियर मैनेजर्स इन द लाइटिंग डिविजन्स एट जनरल इलेक्ट्रिक एंड फिलिप्स रिकॉग्नाइज दैट दिस डिस्कवरी हैड द पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली अफेक्ट देयर यूनिट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी. तो जनरल इलेक्ट्रिक एंड फिलिप्स ने क्या करा कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे बहुत डिटेल रिसर्च वर्क करा और अपनी फाइंडिंग्स को यूज करा अपनी फर्म की ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए. तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सारी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन के बारे में या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में. जितने भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं जो बिजनेस को सराउंड करते हैं और उन एस्पेक्ट की वजह से बिजनेस की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, दे आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस. यहाँ पर कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, चेंजेस इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, स्टॉक मार्केट इंडाइजेस, द वैल्यू ऑफ रूपी आर सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन द बिजनेस एंटरप्राइज. ये सारे कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के. और फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होती हैं वो किस तरह से बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं, उसके लिए यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं. दैट इन केस ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी और द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, दो इंटरेस्ट रेट्स आर बेनिफिशियल बिकॉज दे रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड स्पेंडिंग बाय द कस्टमर्स फॉर बाइंग होम्स एंड कार्स ऑन द बोरोड मनी. मतलब अगर
इंटरेस्ट रेट बोरोइंग्स पे या लोन्स पे बैंक्स कम कर देते हैं तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? कंस्ट्रक्शन कंपनीज को मिलेगा या ऑटोमोबाइल कंपनीज को मिलेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो कार्स या हाउसेस की डिमांड बढ़ा देंगे क्योंकि उनको आसानी से लो इंटरेस्ट रेट पे इजी टर्म्स पे लोन मिल रहा है। सिमिलरली एक और एग्जांपल दे रखा है, अ राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल ड्यू टू द इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री क्रिएट्स द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स। मतलब अगर इंक्रीज होगी डिस्पोजेबल इनकम तो इससे जो है वो जीडीपी बढ़ेगा, और जब जीडीपी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स देकर बता रखा है कि किस तरह से जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं उसमें कोई भी चेंज आता है तो उससे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। सेकेंड आस्पेक्ट है जनरल एनवायरनमेंट का, सोशल एनवायरनमेंट। द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस इंक्लूड द सोशल फोर्सेस। सोशल फोर्सेस क्या क्या होती हैं? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं, वैल्यूज होती हैं, सोशल ट्रेंड्स होते हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं बिजनेस से, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। यहाँ पर उसके भी एग्जांपल्स दे रखे हैं कि किस तरह से सोशल एनवायरनमेंट में जब चेंज आता है तो उससे बिजनेस की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पर्व इन इंडिया प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रीटिंग कार्ड्स कंपनीज, स्वीट्स, कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स, टेलरिंग आउटलेट्स एंड मेनी अदर रिलेटेड बिजनेस। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया का जो सोशल कल्चर है वो कैसा है कि यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट होते हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई फेस्टिवल आता ही रहता है, तो जिसकी वजह से सारे बिजनेसेस को, खासतौर से किस तरह के बिजनेसेस की बात कर रखी है, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने वाले जो बिजनेस हैं, स्वीट्स हैं, कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो टेलर्स हैं, या और भी फैशन इंडस्ट्री या कोई भी, या फुटवेयर से रिलेटेड इंडस्ट्री, जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, उन सारी कंपनीज के लिए जो सोशल ट्रेंड्स हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है दैट ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम्स उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। उसके अलावा वैल्यूज की बात कर रखी है, वैल्यूज रेफर टू द कॉन्सेप्ट्स दैट अ सोसाइटी होल्ड्स इन द हाई एस्टीम। हर एक सोसाइटी की अपनी वैल्यूज होती हैं, तो इंडिया में कुछ वैल्यूज की बात कर रखी है, खासतौर से फ्रीडम की, सोशल जस्टिस की, इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज की, नेशनल इंटीग्रेशन की, ये कुछ वैल्यूज हैं जो हम इंडियंस जो है वो बहुत चेरिश करते हैं। तो इन वैल्यूज का बिजनेस एंटरप्राइजेस पे क्या असर देखने को मिलता है कि जो फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है लोगों को वो मिलता है मार्केट में, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो टुवर्ड्स द सोसाइटी वो बढ़ जाती हैं, बिजनेस जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करने लगते हैं। फिर बात हो रही है सोशल ट्रेंड्स की। सोशल ट्रेंड्स क्या होते हैं? जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के सामने आते हैं रिलेटेड टू द सोशल एस्पेक्ट्स। जैसे ये एग्जांपल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हेल्थ एंड फिटनेस की अवेयरनेस बढ़ती है, इस तरह के ट्रेंड्स होते हैं सोसाइटी में, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है? ऑर्गेनिक फूड की, जिम सर्विसेज की, मिनरल वाटर की या फूड सप्लीमेंट्स की। तो हम ये देख सकते हैं पूरे के पूरे सोशल एनवायरनमेंट में सोशल फोर्सेस आती हैं, ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड सोशल ट्रेंड्स। और हर एक के लिए हमने एग्जांपल लिया है, ट्रेडिशंस के लिए भी हमने एग्जांपल लिया है जिसमें हमने फेस्टिवल्स का एग्जांपल ले लिया, वैल्यूज के लिए भी हमने एग्जांपल लिया है जिसमें हमने इंटीग्रिटी, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी की बात की है और उसकी वजह से बिजनेस एंटरप्राइजेस के इम्पैक्ट को डिस्कस करा है। फिर उसके बाद हमने सोशल ट्रेंड्स के भी बारे में जाना है कि किस तरह से सोशल ट्रेंड्स जो हैं वो बिजनेस एंटरप्राइजेस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो सोशल डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को हम किस तरह से सम अप कर सकते हैं कि इसमें सोशल ट्रेंड्स इंक्लूड होते हैं, इसमें सोशल वैल्यूज इंक्लूड होती हैं और इसमें सोशल ट्रेडिशंस इंक्लूड होते हैं। और इन सब के बारे में हमने एक एक एग्जांपल देकर समझ लिया है कि किस तरह से इन ट्रेंड्स में, वैल्यूज में या ट्रेडिशंस में कोई भी चेंज आता है उसका इम्पैक्ट बिजनेस एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस पे पड़ता है, उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड पर पड़ता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है?
नंबर वन साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड नंबर टू द न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस. एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैव मॉडिफाइड द वेज इन विच द कंपनीज एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स. अब हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट में भी कितना चेंज आ गया है. अब तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, कंपनीज अपनी वेबसाइट्स बनाती हैं और अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करती हैं. पुराने मेथड जो एडवर्टीजमेंट के थे वो क्या थे, रेडियो एडवर्टीजमेंट, टीवी एडवर्टीजमेंट या कोई पैम्पलेट्स लगा दिए. लेकिन अब एडवर्टीजमेंट मेथड्स में बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेक्नोलॉजी बहुत चेंज आ गया है. इट इज कॉमन नाउ टू सी द कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन कियोस्क एंड द वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया पेजेस हाइलाइटिंग द वर्च्यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स. Similarly, एक और example दे रखा है that retailers have the direct link with the suppliers who replenish stocks when needed. मतलब अब जो retailers हैं और suppliers के बीच में internet connectivity है और जैसे ही कहीं stock की कमी आती है तो foreign stock जो है उनके पास supply कर दिया जाता है क्योंकि they are directly connected with each other. Manufacturers have the flexible manufacturing systems. Airline companies have the internet and the world wide web pages where the customers can look for the flight times, destinations and fares and book their tickets online. ये सारे examples दे रखे हैं उन changes के जो हम अपनी real life में feel करते हैं कि किस तरह से technology changes की वजह से या advancement की वजह से हम अपने tickets online book कर लेते हैं, हम अपने time को save कर लेते हैं, हमें worldwide markets available होती हैं. तो ये सारे benefits जो हैं वो technology changes की वजह से business firms को भी मिलते हैं. In addition, continuing innovations in the different scientific and engineering fields such as lasers, robotics, biotechnology, food preservatives, medicine, telecommunication, synthetic fuels, they have provided the numerous opportunities as well as the threats for many business enterprises. So, jo technological advancements hain, उससे कुछ एंटरप्राइजेस को तो बेनिफिट्स मिलते हैं लेकिन कुछ एंटरप्राइजेस के लिए वो थ्रेट्स का काम करती हैं. शिफ्ट्स इन द डिमांड फ्रॉम द वैक्यूम ट्यूब्स टू द ट्रांजिस्टर्स, फ्रॉम द स्टीम लोकोमोटिव्स टू द डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स, फ्रॉम फाउंटेन पेन्स टू द बॉल पॉइंट पेन्स, फ्रॉम प्रोपेलर एयरप्लेन्स टू द जेट्स, फ्रॉम टाइपराइटर्स टू द कंप्यूटर बेस्ड वर्ड प्रोसेसर्स, they have been responsible for creating the new business. So in this dimension, we have read about two types of elements that are included in the technological dimension, that is the new methods and techniques of operating a business and scientific innovations and improvements. और उसके हमने बहुत सारे examples देख लिए कि किस तरह से ये सारी scientific innovations and improvements हैं या जो नए methods business इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस, उससे बिजनेस परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायमेंशन, दैट इज द पॉलिटिकल डायमेंशन और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, पीस इन द कंट्री एंड द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज और टूवर्ड्स द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो जो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी की स्टेबिलिटी होती है और जो कंट्री में पीसफुल बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के. द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस इन द बिजनेस सक्सेस लाइज इन प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज अंडर द स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस. तो कोई भी बिजनेस जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग करता है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है, वो सारे डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे काफी हद तक डिपेंडेंट होते हैं. और अगर किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है तो वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. तो जो पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे, बिजनेस की ग्रोथ पे, बिजनेस की इकोनॉमी पे. उसके बाद एक और एग्जांपल दे रखा है, द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस, इट आल्सो हैज द पॉजिटिव और द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि जब 1991 में
मेजर पॉलिसी चेंजेस आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, शुरू शुरू में तब भी जो फॉरेन कंपनीज थी उनके लिए काफी मुश्किल हो गया था टू डू द बिजनेस इन इंडिया, और उनको बहुत ही मंथ्स लग जाते थे टू स्टार्ट इवन द प्रोसेस। तो उससे क्या हुआ कि वो कंपनीज जो है वो डिस्करेज हो गई फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन आर कंट्री। तो इसका मतलब कि पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस पे या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द लीगल एनवायरनमेंट और द लीगल डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, द कोर्ट जजमेंट्स as well as the decisions rendered by the various commissions and the agencies at every level of the government. तो ये सारे हो गए components of the legal environment. तो चाहे वो state government के हों या वो center government के हों या local government के decisions हों, वो सारे ही legal environment का part होते हैं. It is imperative for the management for every enterprise to obey the law of the land. Therefore, an adequate knowledge of the rules and regulations framed by the government is a prerequisite for the better business performance. Non-compliance of the laws can land the business enterprise into the legal problems. So, legal environment ke rules, regulations, laws, judgments, in sab ka janna business ke liye bahut hi zaruri hai. Kyunki agar business isse comply nahi karega, to business ko dikkaton aur pareshaniyon ka samna karna pad sakta hai. Yahan kuch important acts ki baat ki gayi hai. Companies Act 2013, Industrial Development and Regulation Act 1951, Foreign Exchange Management Act, Import and Export Act, Factories Act, Trade Union Act, Workmen's Compensation Act, Industrial Dispute Act, Consumer Protection Act, Competition Act, ये इतने सारे important acts हैं जो कि बहुत ही important होते हैं इनकी understanding किसी भी business के लिए, और business को इन acts के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इन acts को business को बहुत ही minutely follow करना पड़ता है, और अगर वो इन acts को follow नहीं करते हैं तो उससे उनको कुछ penalties और punishments का सामना करना पड़ सकता है। The impact of legal environment can be illustrated with the help of the government regulations to protect the consumer's interest. For example, the advertisement of the alcoholic beverages is prohibited. Advertisements including the packets of cigarettes carry the statutory warning that cigarette smoking is injurious to health. यहाँ कुछ examples बता रखे हैं कि किस तरह से बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए जरूरी होता है कि वो सिगरेट्स में डील कर रहे हैं तो उन्हें पैकेट्स पे ये लीगल वार्निंग देनी पड़ेगी। अगर कोई बिजनेस अल्कोहलिक बेवरेजेस में डील कर रहा है तो वो उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है। तो इस तरह के लीगल रूल्स को अगर बिजनेस वायलेट करेगा तो उसके लिए बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो हर एक डायमेंशन को हमने एग्जाम्पल्स के साथ अब डिस्कस कर लिया है कि बिजनेस की जो डायमेंशंस होती हैं उसको पहले हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक डायमेंशंस में चार पार्ट्स हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। उन चारों डायमेंशंस के कंपोनेंट्स हमने देख लिए, और उसके बाद हर एक डायमेंशन का हमने एग्जाम्पल लेकर देख लिया कि किस तरह से हर एक डायमेंशन का इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस की परफॉर्मेंस पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, और बिजनेस को इन सारी डायमेंशंस की अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए ताकि बिजनेस जो है इन डायमेंशंस में चेंजेस के हिसाब से अपनी बिजनेस एंटरप्राइज में इंटरनल चेंजेस कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। सो विद दिस द टॉपिक डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट इज ओवर। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम चैप्टर 1, 2 एंड 3। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।